Good afternoon, friends. तो कस्टम में अभी तक हमने समझा वैल्यूएशन तो हमें समझना क्या कस्टम ड्यूटी इक्वल टू कैची देना दीदी वो कैची एसेसेबल वैल्यू of goods into rate of duty into rate of exchange तो ये जो annual value assessable value निकालेंगे तो ये assessable value कौन से goods की निकालेंगे कितने गुड्स की निकालेंगे ये हमें समझना है ये हमने आपको बताया कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट लैंडिंग चार्जेस बार्ज चार्जेस कंटेनर रेंट या कॉस्ट इंटरेस्ट मटेरियल सप्लाइड बाय इंपोर्टर पेमेंट made to third party excluding for testing or commission to seller's agent ये सब हमने बताया था एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स में जो भी पोर्ट तक के सारे खर्चे हैं ये सारे एक्सपेंडिचर्स निकाले जाते हैं एसेसेबल वैल्यू का लेकिन अब ये जो गुड्स होता है क्या जितने की कॉस्ट है ये सारे गुड्स में निकाले जाते हैं ये हमें समझना है एसेसेबल वैल्यू कितने आइटम्स का इसके लिए हमें समझना होगा इसके लिए हमें समझना है कि जितना मिला जितना गुड्स जितना मिला जैसा मिला जितना मिला जैसा मिला जो मिला जिस रूप में मिला लिख लीजिए जिस रूप में मिला या जैसा मिला और जब मिला तो ये चार चीजें हमें देखने हैं कितना मिला इसको यदि दूसरी तरह से लिखेंगे तो कितना मिला कैसे मिला कैसा मिला जो मिला और जब मिला ठीक है तो इसको ध्यान में रख के उस अमाउंट की हम एसेसेबल वैल्यू निकालेंगे और रेट ऑफ ड्यूटी निकालेंगे ठीक है तो ये जितना मिले के अंदर हमारे को चार सेक्शंस ध्यान रखने सेक्शन 13 सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 सेक्शन 21 एंड सेक्शन 70 जैसे मिले के अंदर है
सेक्शन 22 और जिस रूप में मिला सेक्शन 24 और जब मिला सेक्शन 15 तो ड्यूटी हम जो लगाएंगे ये हम समझेंगे सेक्शन 12 के अंदर हम ड्यूटी लगाएंगे प्लस सीटीए एक्ट के सेक्शन 31 33 35 8B, 8C, 9A इन सब के अंदर हम रेट ऑफ ड्यूटी निकाल लगाएंगे एंड रेट ऑफ एक्सचेंज लगाएंगे. इस तरह हमारा पूरा ड्यूटी निकलती है. तो सबसे पहले हम समझेंगे जितना मिला का मतलब कि बेसिकली जितना माल हमारे को हमने इंपोर्ट किया उस पर ना करके सेक्शन 13 क्या कहता है कि पोर्ट से यदि पोर्ट पर आने से पहले कि पिल्फरेज पर आने तक कितना जितना मिला इसको कितने को भी आप छोड़ दीजिए सेक्शन 13 तो हम जो ड्यूटी लगाएंगे कितने गुड्स की लगाएंगे यानी पोर्ट पर आने तक की पिल्फरेज हाँ जी. इसको हम जिस समय आप समझिए क्लियरेंस कराते हैं हम बिल ऑफ एंट्री के बाद तो क्लियरेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 46 47 यानी 46 का जब हम बिल ऑफ एंट्री कराते हैं तो क्लियरेंस सर थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा. ठीक है हम ऐसा करते हैं ये आप नोट कर लीजिए जितना मिला जैसा मिला जिस रूप में मिला. ठीक है थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है. हाँ जी जितना मिला जैसा मिला जिस रूप में मिला तो सेक्शन 13 क्या कहता है क्लियरेंस ऑर्डर याद आ रहा है आपको सर. इसको हम एक चार्ट के थ्रू आपको समझाते हैं. ये तो आपने समझ लिया. अब हम आपको ये समझाते हैं कि ये समझिए ये माल बर्थ है यहां पर माल पोर्ट है ये पोर्ट है जहां माल अनलोड हुआ. इस माल से जैसा कि हमने बताया था या तो ये माल
अनलोड होने के बाद में यहाँ से माल या तो जाता है बेयर हाउस में या जाता है क्लियर होता है होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है, या तो बेयर हाउस में जाता है या होम कंजम्पशन के लिए जाता है। तो एक स्टेज हो गई है, इसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है अंडर सेक्शन 46 जो हमने बताया था। यहां पर क्या होता है, होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 47 और बेयर हाउस के लिए क्लियरेंस ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 60। हाँ, उसके बाद में ये जो बेयर हाउस से यहां पर कस्टम बैरियर है, ये है आपका कस्टम बैरियर, कस्टम बैरियर, समझ लो ये आपका बियर हाउस है और ये आपका होम कंजम्पशन। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये, यहां से जाके यहां होम कंजम्पशन होता है, तो यहां इस स्टेज में यहां से यहां तक की पिलफरेज, पिलफरेज यानी छोटी मोटी चोरी, घटने के बाद यहां पे क्लियरेंस ऑर्डर ये होता है अंडर सेक्शन, यहां बनता है क्लियरेंस ऑर्डर ये क्लियरेंस ऑर्डर सेक्शन 60 वाला और इधर 47 वाला। तो इससे पहले की जो भी छोटी मोटी चोरी हुई, पिलफरेज हुई, तो इस क्लियरेंस के टाइम पर जितना माल आया हुआ है, मान लो 100 केजी माल चला और यहां से 10 केजी फिनिश हो गया, उड़ गया, चोरी हो गया, तो ये जो 90 केजी है तो ड्यूटी देनी होगी, जो एसेसेबल वैल्यू ऑफ 90 केजी लगेगा इनटू रेट ऑफ ड्यूटी इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आई, अंडर सेक्शन 13। ठीक है, पहली बात आप समझ रहे हैं। और अगर बात समझ में आ रही है, पहला चीज हमने बताया जितना मिला, जितना मिला, कितना मिला, 90 केजी मिला। अब लेकिन चलो उसी तरह समझाती, ये समझ में आ रहा है,
पुराना जो चार्ट था उसी पे चलते हैं। ये पहला चीज है, हमको देखना क्या है, किस पर ड्यूटी देना पड़ेगा, ड्यूटी कितने पर, कितने पर ड्यूटी, गुड्स कितने, गुड्स पर ड्यूटी कितने पर। सबसे पहले जितना मिला, जितना मिले के लिए सेक्शन 13 के हिसाब से। दूसरा है सेक्शन 23(1) के हिसाब से। तीसरा सेक्शन 70 के हिसाब से। और चौथा है आपका सेक्शन 21। हाँ जी, तो सेक्शन 13 क्या कहता है, जितना मिला। जितना मिला का मतलब क्या है, माल का के क्लियरेंस ऑर्डर चाहे वो सेक्शन 47 यानी होम कंजम्पशन वाला हो या सेक्शन 60 वेयर हाउस वाला हो, तक की पिल्फरेज यानी छोटी मोटी चोरी या नुकसान पर इंपोर्टर को ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। अगर देनी होगी तो कस्टोडियन को अंडर सेक्शन 45 देनी पड़ेगी। बात क्लियर हुई भाई? जब तक माल का क्लियर होता है तब तक की ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। यदि 100 किलो माल आया और 10 किलो की परफ्लेज हो गई तो 90 किलो की पे ही एसएसएल वैल्यू पर ड्यूटी लगेगी।